सब्सक्राइब कीजिए अमल सबके लिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमल सबके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मकान में आसेब व जिन्नात का ख़तरा हो उसकी हिफाजत के लिए बेहतरीन मुजर्रब नक्श। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी मकान, दुकान या किसी भी मकाम पर जिन्नातों ने अपना कब्ज़ा कर लिया हो और साहिब मकान यानी कि मकान में रहने वालों को तंग व परेशान करते हों या उसमें रहने वालों को हर वक्त सताते रहते हों या उस मकान में जादू कर दिया गया हो या की हंडियाँ या छींटे वगैरह आती हों या उस मकान की जो है चुटिया वगैरह गिरती हों या ईंट पत्थर उस मकान के अंदर जो है गिरते हों या गोश्त वगैरह आते हों, तो चाहिए ऐसे मकान दुकान को व किले को जो है हिफाजत उसकी कर ली जाए। तो दोस्तों मकान दुकान की फैक्ट्री की हिफाजत के लिए ये नक्श बेहतरीन मुजर्रब है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नक्श लिखने का पूरा तरीका समझाता हूँ, बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये नक्श लिखना आपको वेडनेसडे यानी कि बुध के दिन, नक्श लिखने का जो टाइम रहेगा दोस्तों वो सुबह के 8 बजे का रहेगा। नक्श लिखने से पहले दोस्तों गरीब गुरबा में सदक़ा वगैरह ज़रूर तकसीम कर देना, घर महल्ले के छोटे बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें ज़रूर खिला देना। नक्श लिखने से पहले दोस्तों आपका बावजू जिसम लिबास का पाक व साफ़ होना ज़रूरी है, जिस जगह नक्श बैठ कर के लिखेंगे उस जगह का भी पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। उस जगह किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कमरे के अंदर कोई हाइजा मिसब्रेड वाली औरत हरगिज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। तनहा नक्श बैठ कर के लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपको रूहानी कुव्वतों की मदद हासिल होगी। याद रहे कि दोस्तों ये नक्श आपको जो है ब्लैक कलर के पेन ही से आपको लिखना है, बहुत ही आसान सिंपल है। तो दोस्तों आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से ये 16 खाने आपको बना देना है। बनाने के बाद में दोस्तों ये ऊपर की जो लाइन लिखी हुई आपको नहीं लिखनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको लिखना है और लिखने के बाद में दोस्तों आपको अंदर के आदात पुर करने हैं। दोस्तों इस मिसाली नक्श के साथ में आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अभी के अभी में, ठीक है। इसके साथ में आपको लिखना है, तो लिखने का तरीका बड़ा आसान और सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पर आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो एक की जगह आपको 9099 लिखना है और 2 की जगह आपको 0199 लिखना है, 3 की जगह आपको 1199 और 4 की जगह दोस्तों आपको 2199, 5 की जगह 3199, 6 की जगह जो है दोस्तों आपको 4199 और 7 की जगह दोस्तों आपको जो है 5199, 8 की जगह जो है 6199 और 9 की जगह जो है आपको 7199। बस इसी चाल के साथ में इस नक्श को जो है आपको पुर कर लेना है। पुर करने के बाद में आपको क्या करना दोस्तों, इस नक्श का आप लेमिनेशन करा लें। लेमिनेशन कराने के बाद में इसका फिर फ्रेम कराएं और फ्रेम कराने के बाद में जिस मकान के अंदर आसेब जिन्नात भूत पलीत शैतान जादू का ख़तरा हो तो उस मकान के अंदर आप इसको लटका दीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के लटकाने की बरकत से जो है जादू जन्नात मकान शैतान भूत पलीत आसेब उस मकान को छोड़कर के चले जाएंगे, मकान दुकान में रहने वालों को आराम मिल जाएगा। अगर कारोबार अगर नहीं चलता तो कारोबार अच्छे से चलने लगेगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेहतरीन मुजर्रब आसान नक्शे यूज़ करें, फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों हमारा काम था वीडियो आप तक पहुँचाना, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, यही हमारे लिए आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट। इस वीडियो को जो है आप दिल खोल करके जो है शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो दिल खोल करके लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर अगर पहली मरतबा अगर आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन घंटे का बटन जरूर दबा दीजिएगा। हम दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।